ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी ने टेस्ट दिया अच्छे से? किसी को किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है, कोई डाउट? पेपर अच्छा हुआ सभी का? इजी क्वेश्चन थे? ओके, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक मिनट, मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ। एक सेकेंड, ये फाइल में थोड़ा सर्च कर रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
मिल गया क्वेश्चन, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन था ना, चेक करो, यही क्वेश्चन था जो पूछना है। ओके तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमें बोला है ना ट्राइंगल एबीसी इफ ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स एंगल सी, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो इस तरह से हम क्या करें, मतलब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करें। तो देखो इसका बहुत एक आसान तरीका होता है, वो मैं बताता हूँ। ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सिक्स टाइम ऑफ एंगल सी, इन सबको एज्यूम कर लो। सपोज के एक मैंने कॉन्स्टेंट कोई एज्यूम कर लिया, क्या के, अब ये इसके इक्वल है तो टू को डिवाइड कर सकते हैं। तो एंगल ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, के बाई टू। इसको इसके इक्वल कर देंगे तो एंगल बी हमें क्या मिलेगा, के बाय थ्री। ऐसे ही जब इसको हम इसके इक्वल करेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, के बाय सिक्स। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी इस फॉर्म में। अब हमें मालूम है सिंस एंगल ए प्लस बी प्लस सी इन सब का सम कितना होता है 360 डिग्री, ए बी सी का वैल्यूज पुट कर देते हैं, के बाई टू प्लस के बाय थ्री प्लस के बाय सिक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, सिक्स, यहाँ क्या होगा, थ्री के प्लस टू के प्लस के इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ ऊपर अब क्या मिलेगा सम, सिक्स के अपॉन सिक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। सिक्स से सिक्स कैंसिल तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ओ सॉरी 360 लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ 180 होगा क्योंकि ट्राइंगल के सभी सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 360 तो एक सर्कल में कंप्लीट एंगल होता है, 180 तो k का वैल्यू भी कितना आ गया 180। ओके जैसे ही 180 आया तो यहाँ से एंगल ए कितना मिलेगा 180 अपॉन 2 मतलब 90 डिग्री। एंगल बी कितना होगा 180 अपॉन 3 k by 3 था ना, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। एंड एंगल सी ये कितना हो जाएगा 180 अपॉन 6 मीन्स 30 डिग्री। तो ये हमारे एंगल्स आ जाएंगे सब, क्लियर, आसान है ना। और कोई प्रॉब्लम, और कोई डाउट, ठीक है। तो अभी हमने ट्राइंगल चैप्टर हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मुझे बताइए अभी कौन सा चैप्टर हमें करना है, मतलब वो ऐसा चैप्टर जो एग्जाम में आ रहा हो आपको स्कूल में। सभी लोग कमेंट करके बताइए, अभी किसी का सितंबर में होने वाला है क्या एग्जाम, केवल एक ही आया मेरे पास। ओके okay.
जिनके भी एग्जाम होने वाले हैं बताइए कौन कौन से चैप्टर रिमेनिंग है जो अभी हमने नहीं किया और एग्जाम में आ रहे हैं। चैप्टर का नाम लिखिए। ओके तो फिर हाँ हम ट्राइंगल चैप्टर सॉरी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आ रहा है और सब चैप्टर हो चुके हैं। अभी भी और किसी में कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो एग्जाम टाइम में तो बता देना, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे है ना। स्टार्टिंग में हम डाउट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट किया करेंगे। जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जैसे अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी जो एग्जाम में चैप्टर आ रहे हैं उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, कोई डाउट आए तो बता। तो देखो अभी हम जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसको जिसको हम लोग 9th में पढ़ते हैं पहली बार, फिर 10th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं एंड 12th में भी पढ़ते हैं। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है कंटिन्यूस 4 ईयर्स हम इसको स्टडी करते हैं। और पता है इसमें कितने फॉर्मूले हमें सीखने होते हैं, याद करने होते हैं? इसमें ओनली वन फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले होते हैं इसमें? ओनली वन फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले पर एक ही फॉर्मूला है जिस पर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो सोचो कितनी अच्छी मजे की बात है, एक फॉर्मूला याद करना है और 4 साल का काम हो जाएगा ना। बस क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होता जाता है और वैरायटी इंक्रीज होती जाती है, बाकी फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला लिखने का तरीका चेंज हो सकता है 11th 12th क्लास में, बट उसकी उसका जो पर्पस होता है और जो सॉल्यूशन होता है वो सेम रहता है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बहुत आसानी से देखते हैं कैसे प्रोबेबिलिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है, तो ऐसे फॉर्मूले को हमें मैजिकल फॉर्मूला बोलना चाहिए है ना, जो 4 साल एक ही रहता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू याद रखो फेवरेबल अपॉन टोटल, इस तरह से याद रखो। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। बुक में अलग अलग नाम से इसको लिखते हैं, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। इस तरह से हमें कभी भी 12th क्लास तक किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? फेवरेबल अपॉन टोटल, ये इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, वन एंड ओनली फॉर्मूला। अब यहाँ पर फेवरेबल चीज़ें क्या होती हैं? फेवरेबल चीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि चीज़ अच्छी है या बुरी है, मुझे पसंद है या नापसंद है, इससे ये फेवरेबल का मतलब नहीं होता है। फेवरेबल का मतलब होता है क्वेश्चन ने जो फाइंड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन ने जो चीज़ करने के लिए बोली है वो फेवरेबल है, बाकी सब टोटल में काउंट होगा। मतलब उसने बोला है कि इस इंसान को जिताना है तो जिताना हमारा फेवरेबल पार्ट हो जाएगा। किसी उसने बोला कि हमें हराना है किसी को तो हराना फेवरेबल हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो टेल आना प्रॉब्लम हमारा फेवरेबल पार्ट हो जाएगा।
डाइस को थ्रो करेंगे और उसने बोला क्वेश्चन है कि इस पर फोर आना चाहिए, तो फोर लाना हमारा फेवरेबल पार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये फेवरेबल मतलब क्या, जो भी क्वेश्चन हमें बोले वो करना है, दैट इज फेवरेबल। और टोटल तो जितना काम होगा वो सारा चीज टोटल, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो। तो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो इस पर हम स्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या भाई, चलो एक और चीज मैं बता दूं, एक और चीज हम समझते हैं। ये लिख रहे हैं सभी को, इसको मैं बोलना चाहूंगा दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी लाइन। एक लाइन के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी समझते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी लाइन। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी लाइन हमें क्या बताएगी कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है। प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जीरो, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वन। और ये जीरो किसी की भी प्रोबेबिलिटी यदि जीरो है तो इसका मतलब है वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है वो चीज, वो इवेंट हो सके। इवेंट मतलब कोई भी काम, वो काम नहीं हो सकता। किसी भी में भी ताकत नहीं है कि वो उस काम को करके दिखा दे। और जब प्रोबेबिलिटी वन है तो समझ गए होगे इसका मीनिंग क्या है, 100% पॉसिबल इवेंट, कि जो इवेंट है वो 100% होगा ही होगा। अब किसी में ताकत नहीं है कि उस इवेंट को नहीं होने से रोक, वो इवेंट होगा ही होगा 100%, यदि किसी की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन। अब किसी कोई यदि बीच में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.5 या फिर 1/2। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मीनिंग है कि 50-50% चांस है। इसका मीनिंग क्या है, 50-50% चांस है कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन सब के एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे इसका एग्जांपल यदि हम देखें 50-50% वाला तो क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यदि हमने कोई कॉइन को टॉस किया और उसमें हमें हेड चाहिए, तो हेड और टेल दो ऑप्शन है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%, टेल आने की भी 50%। तो हम ऐसा बोलेंगे, किसके साथ खेल रहे हैं दो दोस्त, आपस में खेल रहे हैं दो दोस्त और कॉइन टॉस किया, और पहले ने बोला यदि हेड आया तो मैं जीतूंगा और यदि हेड आ गया तो मैं हार जाऊंगा, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50% कि हेड ऑन टॉस, टॉस करने पर हमें हेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। या फिर बोलो टेल ऑन टॉस, टॉस करने पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, और टॉसिंग होता है, ठीक है, टॉस करने पर हेड आया टेल आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50%। और ये क्या होता है फिर, 100% पॉसिबल इवेंट। तो किसी ने ऐसा बोला, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%। सन हमेशा कहां से राइज होता है, ईस्ट से, पूरब से निकलता है ना सन, सूरज, तो ये 100% होगा ही होगा, किसी में ताकत नहीं है कि सूरज को रोके। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगा, जैसे सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट था, किसी ने बोला सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, तो यदि सन कभी वेस्ट से राइज, हाँ किसी ने बोला कि सन पश्चिम से उगता है, सूरज पश्चिम से उगता है, सन राइजेज फ्रॉम द वेस्ट, क्या ये पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम क्या बोलेंगे, जीरो। तो यहां से ये आइडिया मिल रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल, ये बताता है कि कितनी
चांस है कि हमारी कोई घटना है, इवेंट है, वो होगी या फिर नहीं होगी, इवेंट होगा या फिर नहीं होगा, ये बताया जाता है। अब देखो कुछ इवेंट ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर लाई करेंगे बिटवीन 0 to 0.5। ऐसे इवेंट क्या होंगे? तो इसमें सपोज ऐसा एज्यूम कर लो कि मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, किसका? इंडिया वर्सेस श्रीलंका का। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हो रहा है और उसमें श्रीलंका के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि श्रीलंका के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0 है, जीत भी सकती है, कई बार जीती भी है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते श्रीलंका के जीतने की प्रोबेबिलिटी 100% है, ये भी नहीं बोल सकते, और ये भी नहीं बोल सकते श्रीलंका की जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% है, क्योंकि वो बिग टीम है। तो श्रीलंका के जीतने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर आएगी? इन बिटवीन 0 to 0.5, है ना। और यदि सेम में हम ऐसा बोले कि श्रीलंका के हारने की प्रोबेबिलिटी, या फिर इस तरह से बात की जाए कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कहाँ आ जाएगी? 0.5 से 1 के बीच, इंडिया विन। तो क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी सिंपल क्या बताती है? चांस बताती है कि कौन इवेंट, कितना चांस है कि ये इवेंट होगा। तो आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ से मिला हो इस प्रोबेबिलिटी की फिलॉसफी का। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से हम समझते हैं आसानी से कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बोला है कि अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड 4 5 स्क्वायर, टेल 545, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। इसका मीनिंग क्या है? एक कॉइन है, उसको 1000 टाइम टॉस किया, है ना, टॉस कर करके वो परेशान हो गया होगा, पर हमें क्वेश्चन दिया है कि हमें 1000 टाइम क्या करना है, उसको टॉस करना है, उछालना। और उन्होंने काउंटिंग की कि हेड कितने टाइम्स आया, तो हेड आया 455 टाइम्स, एंड टेल कितने टाइम्स आया? 545 टाइम्स। देन हमें बोला है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो ईच इवेंट, यहाँ कितने इवेंट है? 2 इवेंट्स हो रहे हैं, एक तो हेड और दूसरा टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना, ये याद रखना है फॉर्मूला। तो नंबर वन हम हेड के लिए करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल, कितनी बार आया हेड? 455। कितनी बार टॉस किया? आउट ऑफ 1000 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया? 0.455, ये हमारा आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी का। सिंपल। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? फेवरेबल, कितने टाइम्स टेल आया? 545 टाइम्स, अपॉन कितने टाइम्स हमने टॉस किया? 1000। देन प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.545 आंसर। आसान है प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस? किसी कोई डाउट प्रॉब्लम? अच्छा अंडरस्टूड लिखकर मैसेज करो जिसको समझ में आया प्रोबेबिलिटी को किस तरह सॉल्व किया जाता है।
ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सभी के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गॉट टू हेड्स 105 टाइम्स, वन हेड 275 टाइम्स, नो हेड 120 टाइम्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। तो ये जो थ्री वैल्यूज गिवन है, टू हेड, वन हेड, नो हेड, तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको भी, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, कितनी होगी, फेवरेबल कितना है 105 अपॉन टोटल कितना है 500, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.21। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड इज इक्वल टू फेवरेबल, कितने टाइम्स आया है 275 अपॉन टोटल कितना है 500, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.55। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, इज इक्वल टू 120 अपॉन 500, तो ये कितना आ गया 0.24 आंसर आया हमारे, है ना। तो आई होप सबको यही आंसर आया होगा, सभी लोग आंसर चेक कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हमें बोला है अ डाइस थ्रोन 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6 गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल है आउटकम, आउटकम मतलब
डाइस को थ्रो किया था, हमें 1 मिला, 2 मिला, 3, 4, 5 और 6, अपर फेस की वैल्यू क्या मिली? और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कौन कितने टाइम्स मिला आउट ऑफ 1000 टाइम्स। 179 टाइम्स मिला, 2 हमें 150 टाइम्स मिला, 3 157 टाइम मिला, 4, 5, 6 ये सभी इतने टाइम मिले, तो हमें सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बताइए क्या क्या आंसर आएंगे। तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन कितना आएगा। फेवरेबल 179 और टोटल 1000, तो आ जाएगा 0.179। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू 150 अपॉन 1000, तो आ जाएगा 0.150। सिंपल पॉइंट लगाते जाना है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक सभी लोग सभी आपका आंसर आ जाएगा। ये 0.157 आ जाएगा 3 के लिए, 4 के लिए 0.149, 5 के लिए 0.175 एंड 6 के लिए 0.190। अब मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है एंड खुद से ही आंसर देना है। इसका इसमें टेबल है, वो टेबल भी मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ। मैं ये बताऊंगा कि वो आंसर सही है या गलत है। सभी को आंसर देना है।
सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।